अच्छा वो जो थॉट थी ना वो ये थी कि वो अहमद भट्टी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मुझे की, उन्होंने कहा कि यार जो भी पहन रहे ना अब आप तो ये बेस्ट है इसके लिए। तो मैं यही जो कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है उसको कैरी करने का, अगर मैं कॉन्शियस होता तो शायद मैं कैरी ना कर सकता, बिकॉज एट द बैक ऑफ माइंड ये बात होती है लाल पतलून पहनी हुई है भाई, या लाल जूते पहन लिए हैं, या पीली पतलून पहन ली, अब क्या करूं क्या करूं? मैंने वो पहन के सोचा कि बस यही तो है बिशारत। और ये इसके इलाके का ये प्ले बॉय है, ये कैसानोवा है यहाँ का, सो इज द बेस्ट। बट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, कमिंग बैक टू बिशारत इनिशियल प्रोसेस, मैं बहुत नर्वस था क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें सामिया के साथ बहुत रोमांटिक सीन्स थे। अच्छा। एंड आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस बट रमशा इज माई फर्स्ट कजन। Oh, yes. I didn't know that. ये मेरी सगी खाला की बेटी है। Oh God. Exactly. So, seriously? Yes. Huh. So, you know, वो बचपन से हम लोग बड़े जिस तरह cousins होते हैं कि अली भाई कहती रही मुझे, and now there we were holding hands and we had to look into each other and you know deliver all those romantic lines. तो पसीने छूट रहे थे मेरे भी और उसके भी, और हम उस सीन से पहले कहते थे अच्छा तो फिर क्या ये करना, हाथ पकड़ एक मिनट जरा सोचते हैं। सो यू नो वी हैड टू टेल अहमद भट्टी साहब के भाई ये प्रॉब्लम है, हमने नहीं बताया हुआ किसी को, बिकॉज यू नो हम लोगों की एक फैमिली की वो है चीज़ के यार नहीं ऐसे नहीं करो भाई, खुद जाकर करो जो करना। सो वो बट वाइज ब्रेक हो गई, बिकॉज देन वी सैट डाउन द सेकेंड डे ऑफ द शूटिंग, वी लाइक यार हम सीन्स को ना बहुत खराब कर रहे हैं, सो क्या करें? तो फिर ये ना कजनशिप निकालते हैं दिमाग से और जरा फिर करते हैं अप टू आवर पोटेंशियल, डिस्कस किया कि अच्छा हम इस सीन को ऐसे हैंडल कर लेते हैं, इस सीन को ऐसे हैंडल कर लेते हैं। हां बट वो बट उससे क्या फायदा हो गया कि हमारा जो केमिस्ट्री की बात हो रही है ना कि जी सबसे बेहतर केमिस्ट्री इसकी बशारत और सामिया की निकल के आई, फिर वो हम कंफर्ट जोन में आ गए बिकॉज हमें फिर एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, तो फिर अब हम कजन्स। अब वो आम एक एक्ट्रेस का हाथ पकड़ते हुए मैं उससे पूछता हूँ कैन आई होल्ड योर हैंड, ओके कैन आई हग यू लाइक दिस, बट फिर वो समया नहीं थी, मेरे लिए रमशा बन गई हुई थी, तो वो रमशा के साथ कंफर्ट लेवल अलग था। अच्छा सो यू डू दैट अगर कोई भी इंटीमेट सीन या कोई भी रोमांटिक, जी जी जी, अपनी को-स्टार से पहले आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट गेटिंग फिजिकल विद एनी ऑफ माय को-एक्ट्रेसेस, नो मैटर वो मेरी कितनी भी अच्छी दोस्त हो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरी खैर फैमिली तरबियत भी है कि हम हमारे यहाँ पे छोटा सा ज़रा औरत को ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए हम समझते हैं, और फिजिकली एटलीस्ट मैं बहुत बहुत शायद एक दो मेरी दोस्तें होंगी जिनसे मैं आई मीट एंड हग देम, अदरवाइज आई जस्ट शेक हैंड, वो भी बहुत डेलिकेटली करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पर, हम हर किसी को जाके कमर से पकड़ कर खींच कर नहीं लगा सकते हैं। एंड आई थिंक इट पुट्स अदर पर्सन इन कंफर्ट जोन बिकॉज उनको भी पता है कि अच्छा ये इतना होगा, वो भी रिलैक्स करके, जी जी जी, कॉन्फिडेंस से आप, आई थिंक पता है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है कि यार इस ये मुझे यूं देखेगा या यूं सोचेगा, वो होता नहीं, उनको बिल्कुल एक बॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, अरे इक्वल मतलब मैं किसी, रिस्पेक्ट एक्चुअली मोर देन इक्वल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, मैं किसी लड़की को तुम करके बात नहीं करता, मैं आप कहता हूँ, जब मैं आपसे बात करूँ तो ये मेरी एक हैबिट है कि मैं आपके नाम के आगे जी लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे आप मुझसे बड़ी हैं छोटी हैं, मैं आपको जी कहूंगा ही कहूंगा कि राबिया जी या फलानी जी या धमकानी जी। और जैसे हिरा के साथ मैंने एक सीरियल किया मेरा खुदा जाने, तो हिरा ने बहुत मुझसे कहा कि तुम मुझे तुम क्यों नहीं कहते, मैं कहता मैं आपको तुम नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कहूँगा तुम, मुझसे कहा नहीं जाएगा, मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा अपने आप से अगर मैंने आपको तुम कह दिया। सो यू नो ये तरबियत का हिस्सा है और कुछ शायद अंदर भी होगा। अच्छा मुझे ये बताएं बशारत की कोई मिस्ट्री है? मुझे बशारत पे ना कभी तो जेन्युइन मुझे लगता है और कभी मुझे लगता है कि ये जो कुछ चक्कर है पीछे, कुछ है चक्कर? नहीं नहीं, जो आप डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट एपिसोड में, ऐसा कोई चक्कर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो गंदा इंसान नहीं, नहीं, इज नॉट अ बैड पर्सन, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। उसका आई थिंक जो उसका जो प्रॉब्लम है, जो शायद आप लोग उसके ऊपर बात करेंगे, मुझे बताना चाहिए या नहीं, बट आई थिंक वो बहुत अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है उसका टुवर्ड्स एनीथिंग। तो ये तो फिर रिज वाली प्रॉब्लम हो गई उसकी भी, जो पहला जो सामिया का, जी जी जी, मैं आई हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज, सो वो उनका भी यही हाल था। नहीं लेकिन ये थोड़ा सा फिर किस तरह अटेंशन, ये नाइव भी है, ये नाइव भी है, अटेंशन स्पैन तो छोटा है इसका लेकिन ये नाइव भी है, एंड मोर देन दैट बिकॉज ही इज अ सेल्फ मेड मैन, उसका ईगो प्रॉब्लम बहुत है। जैसे वो आपने उसकी जो फियांसे है उसके साथ उसका जो सीन देखा जिसमें वो परफ्यूम देती है,
तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो उसका ईगो इशू है, वो परफ्यूम भी कह रहा है कि अभी तुम मुझे 200 रुपए का परफ्यूम दे के मुझे एक कामयाब नजर आ गई है। नहीं, और अगर आप उसको देखें, अगर आप बशारत को वैसे देखें तो बशारत की ड्रेसिंग से, उसके हेयर स्टाइल से, उसकी चॉइस ऑफ शेड से आपको ये अंदाजा होता होगा कि बड़ा वो वेल टू डू है अपने अंदर। उस मोहल्ले का वो प्ले बॉय होगा, वो जिस तरह का स्टाइल कैरी कर रहा है, शायद वहां पर सब शलवार कमीज या टी शर्ट जीन्स पहन के फिरते होंगे, वो अलग है। उसकी फॉक्सी जो है वो उसको एक अलग शेड दे रही है, तो वो एरोगेंट तो होगा ही, और उसका जो एरोगेंट इंसान होगा वो इगोइस्टिक भी होगा। वो एरोगेंस डजंट कम ये आपको बताता हूँ, ये भी बड़ी मजे की बात है। ये फॉक्सी एक्चुअली मुझे मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, इसलिए फॉक्सी कर दी आप लोगों ने। तो ये इनिशियली मोटरसाइकिल थी कि मोटरसाइकिल चलानी, तो दिस गोज मच बेटर विद बशारत। जी जी जी, वो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हां, मोटरसाइकिल मुझे रेगुलर लगती है, ये तो बशारत उतना फॉक्सी में नहीं था। आयशा खान को कोई चार दफा तुम कौन भी हमें मोटरसाइकिल से गिराने वाला था, वो जंप करके नीचे उतर जाती थी और मैं आगे जा रहा होता था, यूं 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 करता हुआ। आई जस्ट कैन नॉट हैंडल उसका, वो मुझसे नहीं सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा होता उसको। तो वो मैंने भट्टी साहब से कहा, मैंने कहा भट्टी साहब प्रॉब्लम है, तो ये तो गली मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलानी होगी तो मैं तो मार ही दूंगा, अपने आप को भी मार दूंगा। ही वाज लाइक, ओ हाँ, तो ये तो मसला है। एंड ही न्यू, बिकॉज किसे चाहूँ मैं, आई वाज सपोज्ड टू राइड अ स्कूटर, तो वो स्कूटर, जब मोटरसाइकिल नहीं चलती तो स्कूटर कैसे चलाऊंगा, तो हमने वो ट्रॉली पे रख के सीन्स किए थे। ओ गॉड, अच्छा। वो ट्रॉली को बांधा एक आगे कैरी वैन के साथ और वो चल रही थी, और मैं और सोनिया हुसैन हम उस पर बैठ के यूं यूं इनएक्ट कर रहा होता था मैं, कि गियर्स दबा रहा हूँ और मैं सब कर। सो वो जो ये फॉक्सी का इन होना वाज बिकॉज आई डोंट नो कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है। इट्स गोइंग वेरी वेल, गोइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं, बशारत और भाभी जो हैं जी, थोड़ा बॉर्डरलाइन होता है, कभी लगता है कि कुछ है और कभी लगता है कुछ नहीं है। आप क्या चाहती हैं, कुछ हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कुछ हो। मुझे ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ऑल द मेन हु हैव कम इन सामियास लाइफ, आई एम रूटिंग फॉर बशारत। ओह, थैंक यू। मैं एक्चुअली चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितना मुझे अंदाजा है और या मेरी प्रेडिक्शन है, ऐसा होना तो नहीं है कुछ, सामिया की स्टोरी रह जाए, यू नेवर नो। नहीं, मुझे अंदाजा है थोड़ा, मुझे अंदाजा कि देखिए बशारत बूमरैंग भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट आई वुड लाइक सामिया टू सेटल डाउन विद बशारत। मुझे लगता है वो दोनों जो दिल का दुख है ना उनका, दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। I also think the same way. I think both similar in characters. I'm not going to ask you ke kya hoga because I don't want to spoil it. But ye mujhe bas tha ki bhabhi ke sath kabhi kabhi hame thodi scandalous si feeling bhabhi deti hai aur basharat bhi deta hai. To ye by chance ho gaya aap logo ko realize nahi hua ya thoda sa ye on purpose kiya gaya? I think first things first, Juveria Abbasi is a brilliant actress. I have to give it to her. She's really good. She is a brilliant. Kai scenes hote the ki wo karti thi aur main सोलोज में उनको देखता था, लाइक ये क्या कर रही हैं आप, ये प्लीज़ मत करें क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप मेरी मेहनत ख़राब कर देंगी इस तरह। सो यू नो वो बट एंड देन अगेन एज फार एज द कैरेक्टर एंड द केमिस्ट्री इज़ कंसर्न, आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन इनसिक्योरिटी, शी डजंट हैव व्हाट्स फॉर हिम एंड अच्छा शी डजंट, आई डोंट थिंक सो। ओके, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। एंड अगर ऐसा कुछ हो भी तो बशारत तो भाभी ही समझता है, एंड वो बहुत ही रिस्पेक्ट से उसको, मतलब वो तू करके बात करता है बट रिस्पेक्ट उसकी और केयर उसकी वहीं पे है। सो ऐसा एंगल नहीं है। तो आपको लग रहा है घिसी पिटी मोहब्बत एक आम इंसान के लिए जरा कॉम्प्लिकेटेड है समझना? मुझे लगता है घिसी पिटी मोहब्बत एक आम इंसान के लिए परफेक्ट कहानियां हैं, क्योंकि इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं कि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेट कर सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते। मुझे लगता है इट्स किसी पिटी मोहब्बत की जो पोटेंशियल है, आई एम वेरी हैप्पी कि उसकी जो पोटेंशियल है वो उसको मिल रही है, बट स्टिल मुझे लगता है इसकी और बहुत सी इसको और बहुत ज़्यादा फेम और पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी। इट्स एजुकेटेड पीपल लाइक यू एंड अदर्स हु आर डिस्कसिंग किसी पिटी मोहब्बत। अदरवाइज आप किसी से कहते हैं किसी पिटी मोहब्बत तो वो कहते हैं यार उसमें तो बड़ा यार यूँ है और बड़ा यूँ है। देखिए वो आप समझें भी तो सही, वो तो सही है ना, फिर आप लोग ही मसला करते हैं ना फितरत जैसे ड्रामे करते हम लोग तो कर रहे होते हैं किसी पिटी मोहब्बत को। यू आर अ वेरी स्मार्ट होस्ट, आई वाज होपिंग दैट यू विल ब्रिंग दिस अप, बट वेरी नाइस। आने ही आना था हमने, मेरे कदर आराम से चलते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाई फितरत, डू यू डोंट यू फील लाइक आई नो
अब 2014 में मैंने देखा पहले आपके तीन ड्रामे थे उस साल 2013 से आपने स्टार्ट किया जी जी सो यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ड्रामास जी डोंट यू फील यू आर एट अ स्टेज जहां पे आपको फितरत जैसे ड्रामे अब नहीं करने चाहिए अच्छा देखिए सॉरी फॉर बीइंग नो दिस इज योर ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बात ये है कि मैं वो नहीं हूँ मैं बहुत सिलेक्टिव एक्टर हूँ और मैं बड़ी मेथड एक्टिंग करता हूँ और आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन मुझे लगता है कि आपको हर तरह का काम करना चाहिए